अंदर के जैसा जीप मिले कोना, चीफ मतलब आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ अगर मुख्यमंत्री का दर्जा कोई दिया जा सकता है तो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। इस हरियाणा में भूपेंद्र के जैसा चीफ मिले कोना, भूपेंद्र सा समझदार कमदार शरीफ मिले कोना, भूपेंद्र सा समझदार दार शरीफ मिले कोना। क्रमवार तीनों पीढ़ियों के बारे में बता रहा हूं रागनी में, ध्यान से सुनिएगा। और जिनकी तीन पीढ़ियां अब तक जनसेवा करती आई, दादाजी रणवीर सिंह हुड्डा चले कर अगुवाई, स्वतंत्रता जंग छिड़ी तब घर घर ज्योति जगवाई, संविधान लिखा भारत का तो उसमें सलाह बताई, अरे संविधान लिखा भारत का तो उसमें सलाह बताई, लिखने में चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत सी अपनी तरफ से बातें उसमें बताई थी और इसका हस्ताक्षर आप नेट पर भी देखेंगे तो सारी चीजें मौजूद है। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम बन वो काम करा, रात दिवस जन सेवा की उन्हें नहीं कदे आराम करा, शिक्षा कृषि खेल सभी में हरियाणा का नाम करा, ये विकास कार्य भारी सुरग शरीखा धाम करा, ये हुए विकास कार्य भाई सुरग शरीखा धाम करा, आप लोग निगाह घुमा के देख लो। और भाई 1994 से तो मैं लगातार देखता रहा हूं, पत्रकार भी रह लिया, सामाजिक कार्य भी कर लिए, सरपंच भी रह लिया और यहां सरपंच भी कई बैठे हैं। बता दो भाई 2005 से और 14 तक के कार्यकाल में जो आप लोगों को काम का पैसा मिलता था, क्षेत्र का विकास होता था, क्या अभी हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर करवाया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया था। अब उस शख्सियत के बारे में जो आज हमारे बीच में बैठे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट तलक की जिसने करी पढ़ाई,
शिक्षा पूरी करके जन सेवा की अलख जगाई, बड़े सांसद दीपेंद्र हक की आवाज उठाई। किसान एक व्यवहार तेरे दुश्मन भी करे बढ़ाई, किसान एक व्यवहार तेरा दुश्मन भी करे बढ़ाई, किसान एक व्यवहार तेरा दुश्मन भी करे बढ़ाई। चढ़ी लगाई कमा की बहुत नेताओं से मिला, पत्रकार के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सामाजिक कार्य के तौर पर ज्ञापन दिए, उनके पास काम लेके गया। और भाई मैं अभी नया नया दीपेंद्र हुड्डा सिंह से भी मिला। अगर तुलना करूं तो दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले एक भी नहीं है। जिस आदमी में सराफत की, जिस आदमी में कार्य कराने की, जिस आदमी में मित्रता भाव की, और जिस आदमी में अगले आने वाले की भावों को समझने की जो क्षमता है, वो आपको पूरे हरियाणा में किसी में नहीं। हरदम हाजिर सेवा में कोई मुलाकात दिन रात करो, अपने सारे कष्ट समस्या सुख दुख आई बात करो, नहीं कदे छो मैं आवे चाहे आप अपन, नहीं कदे छो मैं आवे तम चाहे पकड़ के हाथ करो, नहीं कदे छो मैं आवे तम चाहे पकड़ के हाथ करो, चाहे सके सगे मीत सी हसी चिठोड़ी दीपेंद्र के साथ करो, सगे मीत सी हसी चिठोड़ी दीपेंद्र के साथ करो, कहलाते शाम खबात करो रात श्याम खबात करो। ये मेरी पंक्ति इन सभी कार्यकर्ताओं के लिए है। भाई सकल दिखाने से, हाजिरी लगाने से काम नहीं होता, नेता का कद बढ़ता है उसके लिए काम करने से। ये इस पंक्ति में मैं सारी बातें कर रहा हूं। कह रहा देशम खबात करो खाली तर की बबिला को भाई दीपेंद्र सिंह जी, मैं ये स्मृति के तौर पर मेरी ये कविता आपको भेंट कर रहा हूं।